आओ हनुमान विराजियो, आओ हनुमान विराजियो ने कथा सुनो चितला, तुम पाए के सिया राम के, बालाजी हम चरणों के दा। हनुमान हटील रंगील बली, तप तेज निवारण लंकपति को, लेकर मुंदर पार समुंदर शोक निवारण सिया सती को। तुलसी संकट क्यों न कटे जब नाम जपे हनुमान जति को। तो देखिए जिन समय भगवान श्री राम ने 14 वर्ष रो वनवास हो जावे और वनवास काल में लंकापति रावण माता सीता ने उठा और अपनी लंका ले जावे, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में निकल जावे और घूमते घूमते जाओ और महाराज सुग्रीव मिले और सुग्रीव महाराज रे सेना रमई ने हनुमान जी महाराज था उन जगह बैठ और एक 5 पानारो बीड़ो बनावे के जो भी भक्त इन बीड़े ने उठावेला माता सीता ने खोजन वास्ते लंका जानो पड़े। और तो उन बीड़े ने कोई उठायो नहीं, हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम रा परम भक्त हुआ। बालाजी महाराज आगे आया और उन बीड़े ने उठावे और किन प्रकार नो संत तुलसीदास जी महाराज लिखे और कहीं राम सभा। हाँ अरे पांची पानारो बीड़ो बनायो, अरे भरीरे सभा में फिरी वायो, अरे उन्हें बिड़ला ने कोई नहीं झेले, अरे हनुमते लियो रे उठायो बजरंगी बालाजी, ये हनुमते लियो रे उठायो बजरंगी बालाजी। और जो जो बालाजी रा भक्त बारू निवेदन रवेला की मीठी मीठी ताली रे हाथे, क्योंकि जीवन में कई कार्य इंसान ने खुद ने करना पड़े, एक तो भोजन खुद ने करना पड़े और एक भजन खुद ने करना पड़े और एक मरना खुद को पड़ता है। उठा ले दोनों हाथ और बालाजी की जय घोष कर दे, बोलो बजरंगबली हनुमान की जय हो। सबने सीसी निवालो, ये करकिल कार कूदी गयो सागर, ये करकिल कार कूदी गयो सागर, ये पिणगट आसन लगाए बजरंगी बालाजी, ये पिणगट आसन लगाए बजरंगी बालाजी। हरि जे हो हन सिमरो, हरि जे हो पवन कुमार ए अजनी लाला, ए बजरंगी बाला जी रे, हाँ Oh,
अब देखिए हनुमान जी महाराज लंका में जाओ और पिंगट माते आप रो आसन लगा दे और जिन जगह लंका री पानी री पिणिया रिया पानी बनवास्ते आई मन में विचार करो कि भाई एड़ो बंदर आपा आज दिन तक लंका में देखियो नहीं है कि किन देश रो बंदर है। एक पिणियारी जवाब दियो कि आपरे देश रो राजा रावण जिन देश री माता सीता ने लेन आयो है उन देश रो बंदर है। बाकी री पिणियारी कहे कि भाई माता सीता है कटे आपने ध्यान ही नहीं तो पिणियारी जवाब दियो कि राजा रावण दे आदेश रे बिना हुक्म रे बिना उन जगह कोई जा नहीं सके और माता सीता है वो अशोक वाटिका में है। हनुमान जी महाराज मन में विचार करो कि लंका में तो आ गया हाँ हमें वही देखना है कि अशोक वाटिका कई जगह है। तो बालाजी महाराज एक सलांग और लगाई आज आप जैसे बैठा नहीं अशोक वाटिका में हाँ तो माता सीता भी अशोक वाटिका में ही। तो बालाजी महाराज एक सलांग और लगाई अशोक वाटिका में जावे और आगे संत तुलसीदास जी महाराज कहीं लिखे और कहीं राम सभा हाँ हे इतनी बात सुनी हनुमत ने एक युद्ध बाग में आयो हे जिन डाल नीचे सीता बैठी अरे मुंदी डोस चिकार बजरंगी मुंदी डोस चिकार बजरंगी बालाजी उधारी जे हो हन सिमरू हरी जे हो जे हो हरी जे हो पवन कुमार ए अजनी राला ए बजरंगी बालाजी वो माता सीता रे गोदी में वा मुंदड़ी वा अंगूठी वा निशानी डाली और माता सीता मन में विचार करे के हे प्रभु हे दयालु हे दया के सागर हे कृपा निदान हे भगवान इन पापी रे देश में रावण रे देश में भगवान श्री राम री निशानी कुन देन आयो। हनुमान जी महाराज आगे गया प्रणाम कियो बालाजी महाराज इतो बड़ो काम करियो फिर भी माता सीता ने कही कहवे के हे माँ मैं तो एक भगवान रो छोटो सो दास हूँ और वो तो राम जी रो आदेश नहीं है नहीं तो आकाश मार्ग में आपने ले जा सकूं लेकिन हे मातेश्वरी यदि मैं आपने लेन गयो तो इन पापी रावण रो वध नहीं देना। माता सीता कहे के हे हनुमान भगवान मने याद तो करे कि नहीं करे के बिल्कुल करे है और कुछ ही समय रे बाद में जो है लंका माते चढ़ाई हो जावेला और रावण वध हो जावेला और आपने भगवान इन जगह लेन जावेला। तो किन प्रकार माता सीता रुदन करे और संत तुलसीदास जी महाराज लिखे देख मुंदड़ो ए झुरवा लागी कौन जिंदा बरी लायो ए तुलसीदास आसी रघुवर की तुलसीदास आसी रघुवर की अरे नेणो में वीर भर आय बजरंगी नेणो में वीर भर आय बजरंगी हरी जे हो मन सिमरु हरी जे हो ए पवन कुमार ए अजनी राला ए बजरंगी बालाजी रे
देखे हनुमान जी महाराज जीता आप रे भजनों खुश नहीं रहे प्रश्न नहीं रहे जिन जगह राम जी रो गुणगान में तो बालाजी महाराज अति प्रश्न रहे। एक समय कोई माता सीता मांग में सिंदूर भरेगी और हनुमान जी महाराज पूछ लियो कि हे मां सिंदूर भरे रो कई वे कारण के तो माता सीता कहो कि हे हनुमान मांग में सिंदूर भरूड़ो वे राम जी देखे ना बड़ा प्रश्न रहे राजी गए खुश हुए। तो हनुमान जी महाराज विचार करो कि छोटी मोटी टीली देवा के ना राम जी देखे कि नहीं देखे पूरा शरीर ही है वो सिंदूर उतर और के जैसी आ रहा के हनुमान जी यू के माता सीता कहो के सिंदूर लगाए हूं भगवान कृष्ण दे तो छोटे मोटे तिलकों के ना आप देखो कि नहीं देखो। तो एक राम जी का बड़ा अच्छा कीर्तन है अपन सभी लोग मिलके करते हैं क्योंकि जागरण में आदमी ने बड़े खुश चेहरे में बैठना चाहिए क्योंकि लोग जागरण में भी यूं बैठे। अब कल लोग विचार करेंगे भाई कोई घरों नाराज हो ना एवड़ा है एक बात की है क्योंकि अबे कल लो आदमी जी बाबरो भूले पांदरी जे हो जे कर दे तो जोर इरपुणी घोको दे बोलो बोलो बैठो मरे के नहीं हुरगम जे इतनी सानो आज आज ज्ञानी घणो पड़ियो दी आको तो ही घणाई करे तू क्यों देण करे हैं